हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज़ कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है। और इससे पहले जो मेरे वीडियोस हैं वो इनफाइनाइट सीरीज़ पे मैं अपलोड करता आ रहा हूं, और स्टूडेंट इससे पहले जो मेरा कंसेप्ट था वो था अल्टरनेटिंग सीरीज़ बाय लेबनीज़ टेस्ट। हम पता करते थे कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और इससे पहले और भी मेरे वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे अपलोडेड है। स्टूडेंट यहाँ पे आई टैब पे जाके आप पता कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़। और स्टूडेंट अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का कंसेप्ट क्या होता है, वही अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग जो सीरीज़ है वो सीरीज़ का अगर मॉडुलस हम लें, मतलब जैसे ये मेरी बात सुन, ये कोई सीरीज आपके पास है ना, ये सीरीज कन्वर्ज, हम चेक कर लिया भैया ये कन्वर्जेंट है, लेबनीज़ टेस्ट हमने पता लगा लिया कि ये कन्वर्जेंट है। अब हमने क्या करा कि इसकी जितनी भी टर्म थी उन सब जो नेगेटिव टर्म थी उसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया, मतलब उसका मॉड ले लिया है ना, सभी टर्म को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अगर पॉजिटिव करने के बाद भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। और अगर बाई चांस कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और उसका हमने मॉडुलस लिया और वो डाइवर्जेंट आ गया तो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट है। अभी हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का कंसेप्ट क्या होता है। सो यहां पे क्या होता है, देखिए, अ सीरीज समेशन यूएन व्हिच कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म लाइक अल्टरनेटिंग सीरीज इज सेट टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज मॉड यूएन है ना, समेशन मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, मतलब उसकी सभी पॉजिटिव टर्म को हम, मतलब सब नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव कर दें, देन हम सीरीज का टेस्ट लगा रहे हैं, पता लगाएंगे सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। तो हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे भैया ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और अगर ये कन्वर्जेंट है फिर हम क्या करेंगे, इसकी सभी टर्म को पॉजिटिव करेंगे, फिर वापस हम पता लगाएंगे कि यार ये अब कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर दोनों केसेस में वो कन्वर्जेंट आ रही है इसका मतलब वो सीरीज क्या हो रही, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रही है, राइट। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे बाय लेबनीज़ टेस्ट लेंगे हम ना, सो फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे ये सभी टर्म एक दूसरे से क्या आती जा रही, छोटी होती जा रही, तो यूएन प्लस वन इज लेस देन यूएन फॉर ऑल n belongs to n, मतलब सब एक दूसरे से छोटी होती जा रही, बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड देखेंगे हम यहाँ पे लिमिट n tends to infinity un की वैल्यू हम निकालते हैं, सो लिमिट n tends to infinity un कितना आएगा, 2 पावर n, और जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू n tends to infinity रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी। सो बाय लेबनीज़ टेस्ट सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। नाउ अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी समेशन यू एन की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी सभी जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, लाइक 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब है ना, इस टाइप से हो जाएगा, राइट है ना, चलता जाएगा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 पावर n-1 है ना। अब हम यहाँ पता लगाएंगे कि जो सीरीज है ये हमारी कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सीरीज होती है ये वाली 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, तो इस टाइप की जो सीरीज होती है, सो स्टूडेंट ये जो सीरीज है हमने क्या करा, मॉड यूएन लिया, देन सभी टर्म को पॉजिटिव कर दिया। अब ये जो है ये क्या हो रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है ना। यहाँ पे देखिए इसका जो कॉमन रेशियो वो कितना है, 1/2 है, और कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होता है, याद है मैं इनफाइनाइट सीरीज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है लाइक 1 + r + r² ये अगर कन्वर्जेंट होगी अगर r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, सो ये क्या होगा, द सीरीज इज समेशन
यूएन इज कन्वर्जेंट, है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉमन रेशियो होता है अगर वो एक से छोटा है, कॉमन रेशियो देख रहे हैं 1/2, इसका कॉमन रेशियो कितना 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। सो इसका जो कॉमन रेशियो वो एक से छोटा है, सो द सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, है ना। हेंस यू एन या सीरीज इज गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं, कोई भी सीरीज अगर हमें गिवन है और वो अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है, देन हमने उसका मॉडुलस लिया, देन उसकी सभी टर्म को पॉजिटिव करके हमने उसको टेस्ट लगाया, अगेन वो सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है, तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में पता करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनिज़ टेस्ट में हम सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन। तो स्टूडेंट देख रहे हो हर टर्म दूसरे टर्म से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, लाइक ये 1/9 है, 1/4 है, तो ऑब्वियसली उसका छोटा उससे छोटा है ना, है ना। आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है, ऐसा नहीं सर इसके सामने तो माइनस है तो सर ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। तो वो छोटा होना चाहिए फॉर ऑल n belongs to n, and second limit n tends to infinity, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, un, that is limit n tends to infinity minus 1/(n+1) upon n is per student, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, the given series is by Leibniz test, given series is convergent। ना अब बात करते हैं, है ना, अब बात करते हैं हम इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें सीरीज दे रखी है n इज इक्वल टू 1 to infinity, है ना, -1/(n)(1)n², इसका ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा तो ये कैसी होगी सीरीज स्टूडेंट, 1/2² + 1/3² + 1/4² सभी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। और स्टूडेंट बाय पी सीरीज टेस्ट मैंने आपको, मैं इसकी जो n टर्म होगी वो क्या होगी, n पावर यहाँ पे कितना हो रहा है, n पावर 2 हो रहा है, लाइक, है ना। सो बाय पी सीरीज टेस्ट द सीरीज -1/(n) यू एन, या इसको लिख दूं मैं 1/(n²) इज कन्वर्जेंट। अच्छा, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर हमें सीरीज दे रही कि 1/(n)p, अगर यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 आ रही, दैट इज मतलब p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही, 2 आ रही, विच इज ग्रेटर देन 1, सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। हैंस सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1/(n+1) n+1, राइट, is absolutely convergent, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को पता लगाते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लिए, भी इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये एक्स वाले जिसमें एक्स की पावर आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम डीएलएमएट रेशियो टेस्ट चेक करेंगे, वो उससे हमारा क्या है क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम पता लगाएंगे, सबसे पहले इसकी यू एन टर्म लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, इसकी जो यू एन टर्म है वो कितनी आएगी, यहाँ पे -1/(n)(x)(2n)/(2n)), राइट, ये इसकी क्या है, n टर्म है, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो n+1 टर्म है वो हम पता लगाएंगे। सो n+1 टर्म क्या आएगी, ये n+1 आएगा, x^(2n+2) आएगा, और ये आएगा 2n+2 का फैक्टोरियल, क्लियर। नाउ हम यहाँ पता लगाएंगे टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/(un), ये चेक करते हैं, और साथ में हम लेंगे यहाँ पे मॉडुलस,
राइट क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि ये जो सीरीज ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका, ऑब्वियसली वाली सीरीज तो वैसे भी कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये जो UN प्लस वन है वो अबाय लेबनिज टेस्ट आप पता लगा लेंगे ना। तो फर्स्ट मैं बार बार लेबनिज टेस्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इससे क्या है, छोटा है ना। सेकेंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है ना, UN यहाँ पे कितना है, माइनस वन पावर n x पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटिव के दिया इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही। तो बाय लेबनिज टेस्ट ये तो वैसे भी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम पता लगाएंगे कि ये जो इसका मॉडुलस है मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा है ना। तो यू एन प्लस वन है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल है ना, और ये आएगा आपके पास x स्क्वायर है ना, इसको आप ले लीजिए इस टाइप से, ठीक है। और ये आगे आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ इसको, ये आएगा यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट ना। अब तो वैसे माइनस हट गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2n फैक्टोरियल है, इसको तो लिख दीजिए आप ऐसा, और इसको लिखेंगे 2n प्लस 2 2n प्लस 1 एंड देन 2n फैक्टोरियल एंड देन ये आएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अलग अलग लगा, इसको उसके ऊपर अलग लगा दीजिए आप है ना। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप n टेंस टू यहाँ पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अब जब जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन आती है, क्या आती है, लेस देन वन आती है, तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। दैट इज द सीरीज, यहाँ पे ये जो लेस देन वन आ रहा है इसका मतलब ये जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। दैट इज समेशन यू एन, या मैं इसको लिख दूँ माइनस वन पावर एन यू एन इज कन्वर्जेंट है ना। सो हैंस गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब स्टूडेंट आपको ये दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है, यार जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज आता है तो ये तो आप करना ही करना है, राइट है ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो अल्टरनेटिंग सीरीज का था, स्टूडेंट मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आया होगा, और बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूँ, कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे हम वहाँ पे पता करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो स्टूडेंट मैं आपकी बहुत सारी अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैकेनिक्स पे वीडियोस बनाइए, डायनेमिक्स पे बनाइए, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बनाइए, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन रिसर्च पे बनाइए। तो स्टूडेंट मैं अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर, वो ऑपरेशन रिसर्च पे मेरे वीडियोज़ रहेंगे, लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग है, सिम्प्लेक्स मेथड्स हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट और गेम थ्योरी डिसीजन थ्योरी, इनमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। प्लस जो स्टूडेंट्स के जो डिमांड स्टैटिस्टिक्स और मतलब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पे, तो स्टूडेंट आप चिंता मत करिए, उस पर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। लगभग मेरा जो टारगेट है वो एक से डेढ़ महीने में मैं उस पर भी आपके वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो स्टूडेंट बने रहिए यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू।